क्या नाम भैया का? संतोष कुमार। कहाँ से हो संतोष? बिहार दरभंगा से। बिहार दरभंगा से हो आप? संतोष क्यों आए हो मेरी जान यहाँ पे? आप सप्लीमेंट सुला पर आने का क्या कारण है आपका? भूख नहीं लगती, वजन नहीं बढ़ रहा है। भूख नहीं लगती है, वजन नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये दुबला पतला शरीर है। कितना वजन है आपका संतोष? 45 किलो। मात्र 45 किलो? और भूख ना लगने का कारण बता सकते हो आप? आपने वो चूरन चटनी खाई है कुछ? जी सर, वेदा से कुछ खाए थे 2 साल पहले। कितने रुपए का था? चूरन था, गोली थी, क्या थी वो? गोली थी सर। गोली थी? कितने साल पहले खाई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले, ठीक है। और कितने रुपए की थी वो? 699 रुपए की। कितने दिन खाई थी? 15 से 20 दिन खाए थे। 15 से 20 दिन। क्या रिजल्ट थे? रिजल्ट के बारे में बात बताओ मुझे। रिजल्ट जब खा रहे थे तो अचानक भूख बढ़ रही थी। जब खा रहे थे? हाँ। छोड़े हुए तो डाउन हो गए सारे। जब खा रहे थे तो भूख बढ़ रही थी और छोड़ते ही डाउन हो गए। पर मजा तो आ रहा था जब खा रहे थे? बहुत मजा आ रहा, मजा आ रहा था ना। हाय हाय हाय। फिर भाई, फिर जब तुमने वो छोड़ी, फिर सजा कैसे बनी बताना जरा, एक्सप्लेन करो इस चीज को। उससे भी डाउन हो गए, जैसे पहले था उससे भी डाउन हो गए। शरीर भी डाउन और भूख भी डाउन। और भैया अब 2 साल से फिर भूख का यही हाल है, डाउन बिल्कुल खत्म। अब 3 रोटी खाता हूँ बस पूरे दिन में। बाबू क्या चाहते हो फिर? अब आप भूख बढ़ जाए इसके बाद पेट पे गेन करूंगा। अच्छा, पहले भूख को सुधारना चाह रहे? वो चूरन चटनी खानी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए? आप खाओगे कभी? नहीं, कभी नहीं खाएंगे। मेरे सिर पे हाथ रखो। नहीं खाएंगे सर। भैया सच्चा हाथ रखा है ना? जी जी। भाई मरना नहीं है मुझे, पक्की बात है ना? नहीं खाएंगे। तो भाई अब क्या लोगे आप भूख बढ़ाने के लिए? अभी गट पावर लेंगे। आपको पता है ऑलरेडी, मतलब वीडियोस देखते हो आप? वीडियो फॉलो कर रहा हूं मैं लगभग 1 साल से। 1 साल से तो वीडियोस वगैरह देखते हो आप, तो आपको पता है गट पावर लेनी है। भाई गट पावर लो। अब अश्वनी सुनो मेरी बात, गट पावर तो आप ले जाओ। मैं कुछ आपको ना चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये है। अच्छा, आपने अगर हम सिर्फ रिजल्ट देखें, सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, हम वो चूरन चटनी जो आपने खाई उसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट धांसू था ना उसका? जी धांसू था। मतलब आज आपने चूरन खाना स्टार्ट किया, गोली चटनी खानी स्टार्ट करी, तो तीसरे दिन भूख बढ़ गई बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा भाई, मजा आने लगा। बाबू इसका रिजल्ट उसके जैसा नहीं है। रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ रिजल्ट की, ठीक है? अच्छा, इसका रिजल्ट कैसा है? इसका रिजल्ट ऐसा है कि आपको 8-10 दिन तो कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ भूख बढ़ी है अभी नहीं। 12-15 दिन बाद आपको लगेगा हाँ मेरी भूख बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आप कितनी रोटी खाते हो? दो तीन लगाते हैं हम, तो इससे आपकी 10-15 दिन में आपको लगेगा हाँ भाई मेरी 3 से 4 रोटी हो गई है। कितनी? 4। और उससे कितनी हो जाती थी? 6-7 हो जाती थी, मतलब डबल हो जाती थी, डबल। इससे होंगी 4। 25-30 दिन में इससे हो पाएंगी 4.5 या 5, ठीक। ये 2 महीने चलेगा आपका, और मे भी अगर आपने 2 महीने लगातार खाया तो ये आपकी रोटी मैक्सिमम कर देगा 6। जितनी आपकी जो लीवर है आप या आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी भूख लगने की या डाइजेशन की, वो काम करेगा ये मैक्सिमम। उसकी तरह नहीं कि ओवर मैक्सिमम ले जाए, लीवर पे अननेसेसरी लोड डाला और भैया भूख ऐसी उसमें आपने नोटिस किया हो तो भैया रोटी भी खा जाओ, ब्रेड भी खा जाओ, दूध भी खा जाओ, नमकीन भी खा जाओ, ऐसी होता है ना? इससे नहीं होगा ऐसा। इससे आपकी जो मैक्सिमम, जो नेचुरल आपकी मैक्सिमम भूख बढ़ सकती है वो बढ़ेगी। अब उसका नुकसान क्या हुआ था बताना? छोड़ते ही साला डाउन हो गया भूख, छोड़ते ही डाउन खत्म और भूख भी खत्म, है ना? ये नुकसान हुआ। अब इसका ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये कि मान के चलो इससे आपकी 3 से 5 रोटी हुई, 6 हुई, मैं कहता हूँ 7 हुई, वो मुझे नहीं पता कितनी होंगी पर बढ़ेगी जरूर। मान के चलो 6 हो गई तो वो 6 रोटी आप आजीवन तक टिकी रहेंगी, फिर वो भूख डाउन नहीं होगी। ये इसका फायदा है, समझ रहे बाबू? और इसका नुकसान क्या है बताओ? अरे अभी तो बताया यार, नुकसान क्या है? हाँ, नुकसान ये है कि रिजल्ट है वेरी वेरी स्लो, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। और फायदा ये है कि जो रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे, जाएंगे। तो आप अभी ये लो, ये 1550 का सप्लीमेंट है, समझ गए? कुछ और आपके मन में सवाल? कोई सवाल नहीं। आप जिंदगी में नहीं खाओगे ना? किसी खाने को सलाह नहीं दोगे ना? अगर कोई आपका यारा प्यारा खा रहा होगा तो उसे रोकोगे? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हम जब आपकी भूख बढ़ जाएगी, उसके बाद दूंगा फिर आपको पावर मास गेनर। बाबू आज मैंने मास गेनर आपको इसलिए दिया क्योंकि अभी भूख नहीं लग रही है तो मास गेनर रिजल्ट नहीं देगा, तो पहले भूख लग जाए हमको फिर लेते हैं, ठीक है अश्वनी? और बिहार दरभंगा में भी होना चाहिए आउटलेट ओपन? पटना पहले सर। आप पटना कितना दूर पड़ता है आपके यहाँ से? 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर तो पटना में पहले करूँ? जी जी, पटना बड़ा सिटी है। अच्छा बड़ा सिटी है तो पटना बेटर रहेगा, तो ठीक है। और जब पटना में आउटलेट ओपन होगा आओगे? जी बिल्कुल, वादा वादा।
यार तुमने वादा करके भूल जाते हो। नहीं नहीं आएंगे सर, वही वाला गाना याद आ जाता है, वादा करके भूल जाते हो। नहीं आएंगे, आओगे रीवन आपका तो पक्की वादा है, देख लो रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। आएंगे, चलो ठीक है अश्विनी, थैंक यू भाई, थैंक यू।